मेरा यह संकल्प है कि इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है, और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिक के व्हीकल आ रहे हैं। मैं जब कहता था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा, अब सब हट गया। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी क्या, मैं इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार एक एक साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप हरियाणा में एक निर्णय कर दीजिए कि 3 साल के अंदर डीजल की बसें समाप्त हो जाएगी, सब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका, एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपए किलोमीटर खर्चा है, और हमारे एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 रुपए पर किलोमीटर है। तो आपका 25% बस का रेट कम करा दो और हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, और आपको बताता हूं आपको फायदा ही फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, ये मैं बता रहा हूं। और इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुआत करिए। दूसरी बात, आपने ट्रॉली बस की है, ट्रॉली बस यानी ट्राम है जो टायर पे चलती है, जो केबल लगाकर चलती है। आप मुझे प्रस्ताव भेज दो, अब आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे जनरल वीके सिंह साहब के गाजियाबाद और नागपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। आप भी भेज दो, मैं ट्रॉली बस चला दूंगा, उसका टिकट 41 रुपए से भी 30 रुपए किलोमीटर आएगा, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है, और सब बसेस एयर कंडीशन होगी। और मेरा यह प्रयास है, जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बातचीत कर चुका हूं, कि जहां से आप इस रोड पर आए, यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं, 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का, अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की। पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 1.5 रुपया लगता है, और हमारे देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है, और पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करता है, इलेक्ट्रिक प्रदूषण नहीं करता। मैंने तो तय कर दिया है कि मैं अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं, अब इथेनॉल के गाड़ी में बैठता हूं। और मेरे घर पर शायद आपको मैंने दिखाया, ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चलने वाली गाड़ी में बैठता हूं, जिसमें मैं हरियाणा को आपको कहूंगा कि हमारे किसान जो है वो देश के लिए अन्नदाता है। पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी, आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी किसान हूं, अब ये गेहूं चावल लगा के किसान का भला नहीं होने वाला है। अब किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय ऊर्जादाता बनाइए। ये किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है, एक कुएं से पानी निकलेगा, पंप से पानी शुद्ध होगा, और 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर ब्रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो 62 रुपए लीटर है, वो जनरेटर सेट में यूज होगा, और उससे उस ग्रीन हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस किया जाएगा और रोड पर अपना वो गैस स्टेशन डालेगा, जिसमें बस, कार, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, ना प्रदूषण होगा। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से, ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी, और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी, कोयला, पेट्रोल, ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल, जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं, मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां है, और आपको सिद्ध करके दूंगा, मैं 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सब बैठे हुए लोगों से, अब टोयोटा का
हुंडई का, सुजुकी का, सब गाड़ियां अगले महीने आ रही है। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, एक टन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है। हरियाणा में आपने भी 10-20-25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो, टीवीएस, बजाज और हीरो सबकी स्कूटर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल पर नहीं इथेनॉल पर चलेगी। और मैंने अभी आज ही, आप यहां आने के पहले मेरे पास पेट्रोलियम मंत्री आए थे और उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने रशिया से साइंटिस्ट लाए और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू यानी इथेनॉल का एवरेज जो था वो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल ज्यादा लगता था। एक लीटर इथेनॉल, एक लीटर पेट्रोल बराबर एक लीटर 300 ml इथेनॉल। पर मैंने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल लेबोरेटरी में रशियन साइंटिस्ट को बुलाकर वहां प्रयोग किया, टेस्टिंग हुआ, मुझे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार जी जो है उन्होंने कहा कि सर वी फील इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा यार चिंता क्यों करते हो, वो रशिया से आए हैं, गाजर की पुंगी है, हो सकता है तो मंजूर होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, ट्राई तो करके देखो। अब इंडियन ऑयल ने मुझे पत्र दिया है कि टेक्नोलॉजी सफल हुई है तो देश का 20% पेट्रोल बचेगा, यानी समझ लो 40,000 करोड़ रुपए देश का फायदा होगा, उतना इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल के ऊपर आई और भारत सरकार ने उस बात को स्वीकार किया। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जो मैं बार बार, आपको याद होगा भाजपा का मैं अध्यक्ष था तब भी मेरे साथ आप काम करते थे, तब भी मैं ये बात कहता था, पर आउट ऑफ बॉक्स कहने में वाली आइडिया लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। अब उस इथेनॉल का वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो गया तो ये पेट्रोल पंप बंद करो और सब गाड़ियां पे इथेनॉल पर चलाओ, आपकी ट्रक, आपकी बसेस, आपकी कार, आपकी स्कूटर, और उसमें आप इथेनॉल का भाव है 62 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर, एवरेज उतना ही है, तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार वालों का आधा पैसा बचेगा और हरियाणा और गुड़गांव का प्रदूषण इस ग्रीन फ्यूल के कारण समाप्त होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी, और मेरा ट्रैक्टर मैंने खुद लॉन्च किया यहां, वो जो परली है आपकी, 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी और बायो सीएनजी तैयार होता है और उस परली से मेरा ट्रैक्टर चलता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में परली को जलाओ मत। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, आपको पता होगा कि वो परली खरीद रहे और उससे 1,00,000 लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये 50,00,000 टन बिटुमिन देश में, हमारे देश में तैयार होता है और 30,00,000 बिटुमिन हम बाहर से लाते हैं। मैंने इंडियन ऑयल को मैंडेट दिया है कि हमारे किसानों की परली का उपयोग करो जो जला रहे, जिससे प्रदूषण हो रहा, पूरा बिटुमिन बनाओ, आप जितना बनाओगे उतना बिटुमिन एनएचआई खरीदी करेगा और परली के कारण हमारे किसानों को 2,000 रुपए टन के रूप से उसको कीमत मिलेगी। अब वो सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसलिए मुझे खुशी है कि आपने जो इलेक्ट्रिक की बात की उसको मैं जरूर करूंगा। इसके साथ ट्रॉली बस की भी बात है, वो भी मैं, मुझे प्रस्ताव भेज दीजिए। और एक ही बात मैं आपसे मांग करूंगा कि ये इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, नया पायलट प्रोजेक्ट है तो जीएसटी को जो हरियाणा का हिस्सा है उसको एग्जम्प्ट करो, वो नेशनल लॉस है, क्योंकि अगर ये बनेगा ही नहीं तो तुमको कौन लॉस देने वाला है। और दूसरी बात, बिजली का दर शुरुआत के समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 5 साल के लिए 3 रुपए और 5 साल के बाद 4-4.5 रुपए कर दो, 10 साल के लिए दे दो। मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से केवल ये रोड की बसेस नहीं, मनोहर लाल जी अब पॉन्ड्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को, टॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है, 100 लोग हवा में उड़ रहे और जा रहे। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा, आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो।